हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ITBP यानी इंडो टिब्यूट बॉर्डर पुलिस की तरफ से एक और नई भर्ती आ चुकी है जो कि काफ़ी अच्छी भर्ती है। यहाँ पे बोला गया है कि रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन एंड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन, यानी हेड कांस्टेबल में भी टेली कम्युनिकेशन का पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है और यहाँ पे कांस्टेबल में भी टेली कम्युनिकेशन पे भर्ती निकाला गया। यहाँ पे मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट है सभी के लिए भर्ती यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे बोला गया हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन एंड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में ग्रुप सी नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है जो कि ITBP की तरफ से है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट का डिटेल्स देख लीजिए, काफ़ी अच्छा पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। यहाँ पे अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए भरना चाहते हैं हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं 126 पोस्ट टोटल है, 126, ठीक है, जिसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 126 है तो मेल कैंडिडेट में टोटल कितना है, 107 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल 19 वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। टोटल मेल कैंडिडेट में अनरिजर्व में बात की जाए तो 34 है, जनरल कैंडिडेट के लिए EWS के लिए 10 भर्ती है और OBC के लिए 44 है और SC के लिए 15 है और ST के लिए 4 है, टोटल 107 पोस्ट रखा गया है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट में भरना चाहते हैं तो जनरल में 6 है, EWS में दो वैकेंसी रखा गया है और OBC में 8 है और SC में 2 है और ST में 1 रखा गया, टोटल 19 है, यानी ओवरऑल 126 भर्ती है जो कि वैकेंसी हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में रखा गया है। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में अगर भरना चाहते हैं तो कितना है वो आप देख लीजिए, तो मेल कैंडिडेट में टोटल दी बात की जाए तो 144 है, 142 और फीमेल कैंडिडेट में टोटल 25 पोस्ट रखा गया है कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट में अनरिजर्व में 142 में से अनरिजर्व में 58 है, EWS में टोटल 14 पोस्ट है, OBC में 38 है और SC में 21 है और ST में 11 है, टोटल 142 मेल कैंडिडेट। और फीमेल कैटेगरी में बात की जाए तो अनरिजर्व में 10 वैकेंसी रखा गया, EWS में 2 है, OBC में 7 है और SC में 4 है और ST में 2 है, टोटल 25 भर्ती रखा गया जो कि 167 वैकेंसी है आपका कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में। तो ओवरऑल यहाँ पे दोनों में ही पद है, जो भी आप क्वालिफिकेशन आपके पास है इसमें मैच करता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और यहाँ बोला गया कुछ पॉइंट है, नोट है, इसे भी ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, जैसे कि 10% जो वैकेंसी आपका रहने वाला है बोथ हेड कांस्टेबल और टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल है, उसमें आपका एक सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्व रखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि द वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस, एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इंस्टेटेड ITBP रिक्वायरमेंट। इस वेबसाइट पर आपको कोई भी सूचना मिलेगा तो इसी वेबसाइट में मिलेगा और आपको यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी है, ये वैकेंसी बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है, घटने का चांसेस कम रहता है, यानी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ये डिपेंड करता है ITBP की तरफ से, इसमें कोई नोटिस आपको नहीं दिया जाएगा। इसमें अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कब से कब है वो आगे मैं बताऊँगा, पर यहाँ पर अगर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से और आपका यहाँ पे EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को यहाँ पे 100 रुपया पे करना पड़ेगा, फीमेल कैंडिडेट को छोड़ के, फीमेल जाए जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 1 रुपया पे नहीं करना है। फीमेल अगर आप जनरल से है, चाहे आप यहाँ पे एक सर्विसमैन है, चाहे आप यहाँ पे कोई भी है, फी एग्जेम्प्टेड फॉर फीमेल, मतलब फीमेल को पूरा छूट है। और अगर आप जनरल कैंडिडेट में, अगर मेल कैंडिडेट में आते हैं जनरल OBC और EWS में तो 100 रुपया पे करना पड़ेगा, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो और भी जैसे पे स्केल के बारे में जिक्र किया गया, जैसे कि हेड कांस्टेबल में और कांस्टेबल में अलग अलग पे लेवल होता है, तो हेड कांस्टेबल में लेवल 4 का मिलेगा और कांस्टेबल में लेवल 3 का पे मिलने वाला है, जो कि लेवल 4 में हेड कांस्टेबल को 25,500 से लेकर 81,100 7th CPC के तहत आपको देखने को मिलेगा। लेवल 3 में आपको 21,700 से 69,100 के बीच में 7th CPC के तहत कॉस्ट पर न रहेगा। फिर एलिजिबिलिटी कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है वो आप देख लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए आप इस फॉर्म में भरना चाहते हैं हेड कांस्टेबल और टेली कम्युनिकेशन में, अगर हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में तो आपका एज 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप
अपर के एज लिमिट है, जैसे कि आप 25 से ज़्यादा हो गए अगर आपके पास ओबीसी है, आप चाहे एसटी में आते हैं, चाहे एससी में, चाहे एक सर्विसमैन में, तो आपको छूट दिया जाएगा। तो एक सर्विसमैन वालों का डिपेंड करता है गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर कि वो कितने साल सर्विस की है, उसके बेसिस पे छूट दिए जाते हैं। पर यहाँ पे 18 से 25 है जनरल कैंडिडेट के लिए, और जो अगर मान लीजिए आपका एज बढ़ गया तो एससी कैटेगरी में और एसटी में 5 साल का छूट दे दिया जाएगा, यानी 18 से 30 के बीच में जितने कैंडिडेट वो अप्लाई कर पाएंगे। अगर ओबीसी में है तो आपको 18 से लेकर 28 साल के बीच में अगर है तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया डेट का। इसमें कट ऑफ डेट कब रखा है, तो कट ऑफ डेट फॉर डिटरमिन एज लिमिट विल बी 30/11/2022, यानी जो अभी जो इस महीना के 11वां मतलब अगला महीना जो लास्ट डेट जो होता है फॉर्म का लास्ट डेट, उसी डेट से आपका एज काउंट किया जाएगा। और 1/12/1997 से लेकर 30/11/2004 के बीच में जितने कैंडिडेट होंगे उनका डेट ऑफ बर्थ वो अप्लाई कर पाएंगे। 1/12/1997 से लेकर 30/12/2004 के बीच में जनरल कैंडिडेट का ये एज कट ऑफ है। अगर आप ओबीसी में तो 3 साल का छूट मिल जाएगा और एससी एसटी में तो 5 साल का छूट मिल जाएगा। अब मेन फैक्टर है यहाँ पे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ और करके दिया है, इसके अलावा ये भी होने से चल जाएगा, उसके अलावा वो भी होने से चल जाएगा, ऐसे करके बताया गया है। अगर मान लीजिए आप 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स हैविंग एग्रीगेट 45% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, अगर आपका 10+2 में साइंस रहा है पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से सिंपल पास होंगे तो नहीं चलेगा। पास का क्राइटेरिया रखा गया है कि यहाँ पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में 45% आपका मार्क्स होना चाहिए, 45% से ऊपर रहेगा तभी जाके इस फॉर्म को डाल पाएंगे, अदरवाइज फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है तो उसके अलावा और क्या रहने से चल जाएगा, जैसे कि उसके बाद अगर आपके पास 10th के संग संग यानी माध्यमिक का पास है, अब माध्यमिक के संग संग 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपके पास 10 माध्यमिक के संग संग ITI है इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में या कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी अगर आपके पास 10th के संग संग कंप्यूटर का भी कंप्यूटर में भी आपका ITI है तो आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में ITI है तब कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, मैनी फॉर्म को डाल सकते हैं। ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 10+2 में होना चाहिए। और बात है कि मान लीजिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या ITI इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल में कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट नहीं है तो उसके अलावा और क्या है, इसका ऑप्शन और है लास्ट में, जैसे कि 10th के संग संग आपके पास 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विद साइंस PCM, अगर PCM के संग संग मान लीजिए कि आपका 12th है, 12th में PCM में 45% से कम है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो अगर आप 45% से कम है, आपके 12th के संग संग 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में अगर रहेगा PCM के संग तो आप भर सकते हैं। अगर आप अलग कोई स्ट्रीम से पढ़े हैं तब नहीं होगा, जैसे कि आप PCM में है और PCM के संग संग मान लीजिए आपका 45% से कम है या 45% से ज़्यादा भी है, आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन से आपका डिप्लोमा है 3 साल का तो आप इसके लिए एलिजिबल है, या कंप्यूटर साइंस में भी आपका डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल है, या आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा किए तब भी एलिजिबल है, या इलेक्ट्रिकल से भी आप डिप्लोमा किए तब एलिजिबल है। इतना सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब बात है कि जो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में भरना चाहते हैं उनको क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आपका फर्स्ट में तो एज 18 से 23 साल कांस्टेबल में होता ही है जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल का छूट दे दिया जाएगा, यानी 18 से 26 साल तक के कैंडिडेट। अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो 5 साल का छूट, यानी 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी कटअप डेट रखा है 30/11/2022, यानी फॉर्म का लास्ट डेट वही आपका एज कटअप होता है। और 1/12/1999 से लेकर 30/11/2004 के बीच में जितने भी कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल है। अब बात है यहाँ पे कि जो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट है, इसका क्वालिफिकेशन माध्यमिक के संग संग आपका यहाँ बोला है डिज़ायरेबल मतलब डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एनी अदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, यानी ये डिज़ायरेबल मतलब ही होता है कि आपका
है तो दीजिए, अगर नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं सिर्फ माध्यमिक के सर्टिफिकेट के बेस पे। माध्यमिक आपका माध्यमिक है तो उसके बेस पे आप ये डाल सकते हैं फॉर्म। अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो और अच्छा है, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिज़ायरेबल लिखा गया। डिज़ायरेबल का मतलब ही होता है कि आप आपके पास है तो दीजिए, अगर नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ माध्यमिक के बेसिस पे आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका कोई परसेंटेज भी नहीं मांगा, सिर्फ सिंपल पास है तो कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में आप फॉर्म को भर सकते हैं, यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें आपका क्या क्या है। जैसे कि ये फॉर्म आपका ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा, इसका डेट भी बताऊँगा लास्ट में कि कब से स्टार्टिंग होने वाला है। अब बात है यहाँ पे कहाँ पे देखना है, तो ये है आपका ऑफिशियल साइट या तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ही आपको देखने को मिल जाएगा जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो। ठीक है, उसके बाद है नीचे की तरफ आएंगे तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस दिया, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे 7th नंबर पॉइंट में कि द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी PET होगा फर्स्ट में, आपका रनिंग वगैरह जो होता है हाई जंप लॉन्ग जंप वो होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST होगा, यानी जो आपका हाइट वेट चेस्ट वगैरह जो होता है वो मापा जाएगा। वो पास होने के बाद आपका रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट के बाद आपका डायरेक्ट मेडिकल टेस्ट और रिव्यू मेडिकल। इसमें कोई स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं दिया है, सिर्फ रिटन टेस्ट ही आपका होगा, इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं रखा गया है। रिटन टेस्ट के बेस पर ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे करवा दिया जाएगा। अब बात है कि ये फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा, तो ये फॉर्म आपका 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, 1 नवंबर 2022 यानी नेक्स्ट अगले महीना के 1 तारीख से फॉर्म को भर सकते हैं, और लास्ट डेट है 30 नवंबर, 30 नवंबर तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। टोटल 1 महीना का टाइम दिया गया ITBP की तरफ से। तो ये था फुल इन्फॉर्मेशन जो कि ITBP से रिलेटेड। आई होप कि पूरा डाउट क्लियर होगा, कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जब फॉर्म आएगा, फुल नोटिफिकेशन आएगा, उस समय भी आपको इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।